केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई की तरफ से झारखंड को बहुत बड़ा झटका मिला है। दरअसल सीबीएसई ने झारखंड के कई स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है और अभिभावकों से भी आग्रह किया है कि इन स्कूलों में अपने बच्चों के नामांकन को लेकर सचेत रहें। स्कूलों की जारी सूची में झारखंड के कई जिलों के स्कूल के नाम शामिल हैं। सीबीएसई के द्वारा आधिकारिक सूचना इस मामले में जारी कर दी गई है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक बोकारो के 9 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है। राज्य में कुल 17 स्कूलों की मान्यता रद्द की जा चुकी है। सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया है कि इन स्कूलों में सीबीएसई के बायलॉज पूरा नहीं होने के कारण स्कूलों की मान्यता रद्द की कर दी है। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लैब, लाइब्रेरी, कक्षा और पढ़ाई की गुणवत्ता, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की व्यवस्था में कमी समेत और भी कई अन्य कारण देखे गए हैं जो पढ़ाई की गुणवत्ता के लिए सही नहीं माने गए। केंद्रीय विद्यालय डकरा रांची, डीएवी इंटरनेशनल स्कूल मेथरा रांची, केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग, स्प्रिंग वैली स्कूल धनबाद, नंद गोकुलम धनबाद, मॉडल इंग्लिश हाई स्कूल धनबाद, रामकृष्ण मिशन स्कूल पूर्वी सिंहभूम, मॉडर्न पब्लिक स्कूल देवघर, बोकारो इस्पात विद्यालय सेक्टर 4A, सेक्टर 9C, सेक्टर 8C, सेक्टर 2A, सेक्टर 6A, सेक्टर 8D, सेक्टर 2 9D, सेक्टर 2D और सेक्टर 3D स्कूलों की मान्यता सीबीएसई ने रद्द कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल बच्चों से ज्यादा फीस ले रहे थे और उसके अनुसार उन्हें ना तो आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जा रही थी और ना ही अकेडमिक सुविधा। जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है उसकी सूची सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बोर्ड ने अभिभावकों की सूची देख लेने और स्कूलों में बच्चों के दाखिला दिलाने से बचने के लिए कहा है। शिक्षकों से मिली जानकारी के अनुसार जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है उनके साथ 1000 से अधिक छात्रों ने 10वीं की परीक्षा के लिए आवेदन किया है। बोर्ड ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हीं स्कूलों को अंतिम बार परीक्षा लेने की अनुमति दे दी है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।